तो दोस्तों यहाँ के जो लोग होते हैं बहुत ही मेहनती, बहुत ही ईमानदार होते हैं दोस्तों, और बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं यहाँ के लोग गाइस। हेलो गाइस, मेरा नाम जितेंद्र है और मैं हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का रहने वाला हूँ। तो दोस्तों ये जो ब्लॉग है मेरे चैनल का फर्स्ट ब्लॉग है। यहाँ पे अपने घर के साथ जो ये सड़क देख रहे हैं आप, इस सड़क में घूमने के लिए निकल गया हूँ। दोस्तों आप इस ब्लॉग में बने रहिए, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आपको एक नंबर मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और इस चैनल में भी आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग मैं आपको लेकर आता रहूँगा। तो दोस्तों बैक कैमरा करके आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो नज़ारा है किस तरह का है। तो दोस्तों आप जो ये नज़ारा देख रहे हैं मेरे सामने, ये जो खड्ड है, यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें पानी का जो बहाव है थोड़ा तेज़ आया है आजकल, बिकॉज दोस्तों बरसात का जो ये मौसम है। बरसात में दोस्तों होता क्या है, जो ये आपको लास्ट में ऊपर बादल दिख रहे हैं, यहाँ से बहुत सारी बारिश हो जाती है, और जो बारिश होने के कारण इस नदी में पानी थोड़ा ज़्यादा जम जाता है। नदी नहीं, खड्ड ही बोलेंगे, सॉरी इसको। इस खड्ड का नाम कजौ खड्ड है, यहाँ पे हमारे पहाड़ी में कजौ खड्ड बोलते हैं इसको। और ये यहाँ से आगे आगे जो जाएगी, यहाँ से आगे दोस्तों ये सतलुज में मिलेगी। सतलुज आपने सुना होगा। तो दोस्तों पहाड़ों का जो इस टाइम यहाँ पे नज़ारा है इस तरह से है, पहाड़ों में बहुत सारी धुंध सी छाई हुई है। तो दोस्तों ऐसे ही हम यहाँ पे निकलते हैं इवनिंग वॉक पे शाम को, बिकॉज अच्छा सा लगता है जो यहाँ पे जो हवा होती है, यहाँ की शुद्ध हवा मिल जाती है। शहरों में दोस्तों आपको ऐसा वैसा कुछ भी नहीं मिलता है, और ना ही ऐसी हरियाली, ना ही ऐसी प्रकृति आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ इस सड़क में, तो आप देख रहे होंगे जो ये पेड़ है हमारे इस, यहाँ पे चीड़ बोलते हैं इस पेड़ को, जिससे हम लकड़ी को इकट्ठा करते हैं, जो हमारे सर्दी में काम आती है, बिकॉज बहुत ठंड लग जाती है हमें। और जो ये आप पेड़ देख रहे हैं, ये हमारा बान का पेड़ है, पहाड़ी में इसको बान का पेड़ बोलते हैं, जो हमारे भेड़ बकरियों को घास पत्ती के रूप में या फिर भोजन, उनका भोजन होता है जो उनको खिलाया जाता है। इसको दोस्तों दराट के साथ काटते हैं और इसका बोझा बनाते हैं और घर को ले जाते हैं। तो दोस्तों आप इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ये बान के पेड़ होते हैं, यहाँ पे भी है। और जो ये सड़क है दोस्तों, पहले तो सड़क भी नहीं होती थी, तो अभी थोड़ा सड़क भी आ गई है, घूमने के लिए इजी भी हो जाता है। तो दोस्तों अभी हम आराम आराम से चल रहे हैं, बिकॉज़ दोस्तों यहाँ का जो नज़ारा है ऐसा आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। और जो ये आप ऊपर देख रहे हैं, अभी यहाँ से बारिश होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे कभी भी मौसम का कोई पता नहीं होता है, जो आपको मैं यहाँ पे मौसम दिखा रहा हूँ, कभी भी दोस्तों बारिश आ सकती है, कभी भी बारिश आने की संभावना है। और जो यहाँ पे टेम्परेचर होता है दोस्तों, इस टाइम 7 डिग्री सेल्सियस हमारा जो टेम्परेचर यहाँ का है आजकल दोस्तों। आजकल तो क्या दोस्तों, लगभग यहाँ पे पहाड़ों में ऐसे ही आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा, 7, 5, 6 से ऊपर कभी जाता ही नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये पानी और पाइप, ये जो पानी है दोस्तों बहुत ही मीठा पानी होता है पीने के लिए, इसलिए जब भी हम यहाँ पे इवनिंग वॉक पे आते हैं तो हम इस पानी को ज़रूर पीते हैं। तो दोस्तों मुझे अभी थोड़ी सी प्यास भी लगी है, मैं आपको दिखाऊंगा इस पानी को मैंने पीना है। दोस्तों ये जो पानी है, कहा जाता है पहाड़ों में जो भी आपको पानी मिलता है वो
अमृत से कम नहीं होता है। बहुत सी यहाँ पे जड़ी बूटियाँ औषधि यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, ये जो पानी है बिल्कुल शुद्ध पानी है, इसमें 1% भी यहाँ पे कोई कचरा वगैरह नहीं है। ये जो दोस्तों पानी होता है, इसके लिए हमें कोई भी फ्रिज वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये प्रकृति ने स्वयं ही अपने आप बनाया होता है। बहुत ही ठंडा पानी होता है। तो दोस्तों अब हम अपने घर की ओर निकल जाते हैं, बिकॉज अभी मौसम का कोई पता नहीं है, कभी भी ये बारिश दे सकता है। तो दोस्तों इस तरह का यहाँ पे नज़ारा होता है शाम को। दोस्तों यहाँ पे लोग इवनिंग वॉक पे आते हैं। तो दोस्तों इवनिंग वॉक पे आने से एक तो फ़ायदा हमारा ये रहता है, हवा हमें फ्रेश मिल जाती है और पानी भी यहाँ पे हमें शुद्ध मिल जाता है। तो दोस्तों कहा जाता है यदि आप ऐसे ही सुबह शाम घूमने के लिए निकलते हैं तो आपका जो दिमाग है वो भी शांत रहता है और बीमारियां भी आपसे दूर रहती है, क्योंकि ये तो हिमाचल का प्रकृति है, ये तो स्वयं ही भगवान ने बनाई है। मुझे ऐसे ही घूमना, ट्रैवलिंग करना और गांव की जो लाइफस्टाइल है उसको एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, इसलिए गाइस मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ। तो दोस्तों बहुत ही आनंद आता है ऐसे पहाड़ों में। तो जो आप देख रहे हैं अभी ऊपर, यहाँ पे बादल ही बादल। तो दोस्तों यहाँ के जो लोग होते हैं बहुत ही मेहनती, बहुत ही ईमानदार होते हैं दोस्तों, और बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं यहाँ के लोग गाइस। तो गाइस हमारे जो यहाँ पे हिमाचल में पहाड़ों में लकड़ियाँ लाते हैं लोग, कुछ इस तरह से। सुबह शाम हमारे यहाँ पे बहुत ठंड रहती है दोस्तों, तो इसलिए है।